कि बाबा साहबों ने भारत में कि बाबा साहबों ने भारत में हम सबको हक दिलवाए बाबा साहब ने हमारे आपके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया और हमारे बीच में उपस्थित हुई हमारी बहन बिटिया रजनी गौतम जी, आप आ जाए महापुरुषों की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित कर दें। और रविकांत भैया जी, आपके साथ में जितने लोग आए हैं, विधानसभा अध्यक्ष भीम आर्मी रविकांत भैया जी और माननीय सीतापुर से चल के आए सुनील राठौर जी और जितने भी भैया लोग आपके साथ में आए हैं भीम आर्मी टीम के, आजाद समाज पार्टी के टीम के सभी लोग आ जाएं और पुष्प अर्पित करेंगे। और बहन रजनी गौतम पुष्प अर्पित कर रही हैं, आप लोग जोरदार तालियां बजाएं, बहुत बड़ा काम करती समाज में जा जा करके और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सुनील भैया कहाँ रह गए? अच्छा, अभी पहुंचे नहीं है। अच्छा, आज भैया आप सभी लोग आ जाइए। और जितने भी ये भीम आर्मी के भैया लोग आए हुए हैं, बड़ी मेहनत करते हैं समाज के लिए, जोरदार तालियां आज सभी के लिए जितने भी भैया लोग अतिथि के रूप में आज उपस्थित हुए हैं। आइए माताओं बहनों, कि बाबा साहब अगर ना होते इस देश में, इस धरती पर अगर उनका जन्म ना हुआ होता तो हो सकता है आज हमें ये मान सम्मान भरा जीवन नसीब नहीं होता। तो एक घटना है उनके जीवन काल की जो उनको या संघर्ष करने के लिए मजबूर कर देती है। बाबा साहब जब बहुत पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर बन चुके हैं, एक दिन पूना शहर से वह मुंबई के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको प्यास लगती है, जोरों की गर्मी पड़ रही थी और जब बाबा साहब को प्यास लगी है तो इधर उधर पानी को ढूंढते हैं लेकिन पानी की कहीं नजर नहीं आता है। रास्ते में एक होटल होता है, बाबा साहब उस होटल पर पानी पीने के लिए जाते हैं। परंतु जब उस होटल पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, उनका इस प्रकार से अपमान होता है। तो बाबा साहब बड़े ही निराश होते हैं, बहुत ही अफसोस होता है कि हम इतना पढ़े लिखे हैं तब हमें पानी का अधिकार नहीं है, हमारा अपमान हो रहा है। तो हमारे समाज के जो लोग अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं,
उनके साथ में क्या होता होगा। इसका मतलब हमारे समाज को पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। मैं संकल्प करता हूं, बाबा साहब ने कहा कि अपने समाज को साफ और स्वच्छ पानी पीने का अधिकार दिलाऊंगा। और सबसे पहले उन्होंने महान तालाब सत्याग्रह आंदोलन किया और हमारे समाज को मान और सम्मान दिलाने का काम किया। तो आज ये कहानी देखेंगे कि कैसे उनके हृदय में महान सत्याग्रह करने की चेष्टा और भावना पैदा हुई, देखेंगे और सुने। एक दिन की बात है, बाबा साहब चले हैं कैसे कि अरे पूना से बाबा चल दीन है और मुंबई की सीध लगा से मुंबई के लिए चले हैं और जोरों की प्यास लगी है, उनके गला सूखने लगा। इधर उधर देखते हुए जा रहे हैं कि कहीं पर पानी मिल जाए और उस पानी को पी करके हम प्यास बुझा लें। आज बाबा साहब बड़े निराश हैं और उनका गला सूख रहा है और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन कहीं पानी दूर तक नजर नहीं आ रहा है। कि जोरों की प्यास लगी उनको और जोरों की प्यास लगी उनको और गला सूखता जाता है। हर तरफ वो मुड़ मुड़ कर देखे, हर तरफ वो मुड़ मुड़ कर देखे पर पानी नजर न आता है। लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। सुबह का समय है, उसी रास्ते में एक होटल पड़ता था और उस होटल पर अनेक प्रकार के लोग आते थे चाय पीने, नाश्ता करने, पानी पीने। तो बाबा साहब को याद आया कि आगे रास्ते में एक होटल पड़ता है, चलो चल करके वही पानी पिएंगे। और इधर होटल लग रहा है, कैसे नौकर दुकान लगा रहा है, जो होटल का नौकर है, होटल के मालिक है, किस प्रकार से अपनी दुकान को खोल रहे हैं। Thank you.
अब हमारी होटल लग गई है, झाड़ू पोछा लगाई दे भाई, बहुत गंदगी पड़ी है। होटल होटल तुम्हारा बहुत बड़ा है, अमर होटल माना जाना है, जो भी आता है दोबारा घूम के नहीं आता है। अच्छा, अब हमारे होटल गई लग, चाय पियाओ कॉफी पियाओ, मुंह धोयाओ जे ताल तेरे पहले। इधर नौकर अपनी दुकान खोलता है और मालिक जो दुकान का है वह भी आता है। सोने आते हो यहाँ? सोए थोड़ो रहन सेठ जी। तो क्या कर रहे थे? आज रात भर ऑर्डर पर खाना बनाए हैं तो नींद में आ रहा। अच्छा अच्छा, बताओ सब ठीक ठाक है यहाँ पे? हाँ सब ठीक ठाक है। झाड़ू पोछा लग गया? सब ठीक ठाक है, समोसा सब बन गए। अच्छा, कोई कमी तो नहीं यहाँ पे? सेठ जी कमी कोई ना है, तुम्हारी कमी रहा तुम हूँ आ गये। सेठ जी हाँ, बहुत खाए खाए सेठ जी, बहुत तो खाए खाए मोटान हो सेठ जी। अच्छा ये बताओ, अभी तक कोई ग्राहक तो आया नहीं है? ग्राहक आ रहा है, घुमाए दिन ना। इसका मतलब जो भी ग्राहक आता है उसको तुम घुमा देते हो, उसको मतलब खाने पीने को कुछ नहीं देते हो? हाँ दाली मुड़ी मांग दे रहा है सेठ जी। दाली मिठाई कहाँ? कहीं रहे, कहीं रहे 100 ग्राम बेसन मंगवा दो तो बनाई दे। मैं सब चीज की व्यवस्था यहाँ पर ला करके रखता हूँ। हाँ। और तुम कह रहे हो कुछ है नहीं यहाँ पे? हता तो राखत हो जाने सेठ जी, अबे शक्कर उतरवाहे हो, तेल रिफाइंड पीपा और दाल चना की मसूर के रे सर रही के सब चीज के दाल उतरवाए रहो। देखो मेरा एक जरूरी काम है, मैं घर जा रहा हूँ, अभी कुछ देर में वापस आ रहा हूँ, ठीक है? तब तक यहाँ पे ठीक ठाक से व्यवस्था देखना, ठीक? ठीक, मैं अभी आ रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। आज जो है सेठ, वो जो होटल का मालिक था, नौकर से कहने लगा, मैं कुछ जरूरी काम से घर जा रहा हूं और अभी वापस आ रहा हूं, और जब तक मैं वापस ना आऊं, अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई ग्राहक आ जाए तो बड़े प्यार से बैठाना, क्योंकि ग्राहक देवता के समान होता है। लेकिन हमारे होटल में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, हमारे होटल में शूद्र नहीं आ सकते, इसलिए किसी शूद्र को अपनी दुकान में मत आने देना। नौकर ने कहा कि शूद्र कैसे होते हैं, तो उस मालिक ने कहा कि शूद्र जो होते हैं वो दुबले पतले शरीर के होते हैं, गरीब होते हैं, इसलिए उनके तन पर स्वच्छ साफ सुंदर कपड़े नहीं होते हैं, फटे पुराने कपड़े, गंदे मैले कुचैले कपड़े धारण किए हो और दुबला पतला हो तो समझ लेना यह शूद्र है। क्योंकि माताओं बहनों उस समय हमारे समाज को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं था, दूर से ही लोग पहचान लेते थे कि है जो है शूद्र है, चौथे वर्ग का व्यक्ति है, ऐसी हिंदू धर्म की व्यवस्था थी। लेकिन बाबा साहब विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं, उनके पिताजी अंग्रेजी फौज में सूबेदार थे, अंग्रेजों की सेना में सेना नायक थे,
इसलिए बाबा साहब विदेश में जब पढ़ने जाते हैं तो अनेक प्रकार के विदेशी उनके मित्र हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमेशा कोट पैंट पहनते, चश्मा लगाते हैं। दूर से देख करके कोई ये नहीं पहचान सकता था उनको कि ये शूद्र है, मतलब चौथे वर्ण के हैं। आज नौकर बैठा है और उधर धीरे धीरे बाबा साहब उसी दुकान उसी होटल के पास पहुंच जाते हैं। उनके जोरों की प्यास लगी थी, होटल और दुकान को देख करके उनके अंदर कुछ खुशी महसूस हुई कि चल करके इसी दुकान पर पानी पीता हूं और प्यास बुझाता हूं। और जो ही होटल के निकट पहुंचे हैं, दुकान के पास नौकर ने देखा, बाबूजी कहो आपकी सेवा क्या करें? भैया मैं यहाँ पर सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ। फिर किस लिए आए साहब? मेरा एक निवेदन है भैया। कहो बाबूजी। आज बाबा साहब कहने लगे, भैया मैं आपसे सेवा नहीं करवाना चाहता। हाँ बाबूजी, कोई भी सेवा नहीं करवानी है। फिर बाबूजी, छोटी सी विनती है, मैं किस लिए आया हूँ सुनो। कि है प्यास लगी मुझे जोरों की, सुन रहे भैया? हाँ बाबूजी। कि है प्यास लगी हमें जोरों की, थोड़ा सा नीर पिला दीजिए। भैया हाँ बाबूजी, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, कृपा करके थोड़ा सा पानी पिला दो भैया। अरे बाबूजी लो, आप लोगों की सेवा में तो बैठा हूँ यहाँ पर हम। ठीक है भैया, लो पानी पियो बाबूजी। आज सोता बंदो नौकर ने तुरंत गिलास में निकाल करके पानी दिया, लीजिए साहब। लेकिन बाबा साहब जो ही पानी पीने को गिलास अपने मुंह में लगाते हैं, अबे नालायक तुझे पता ये कौन है? अगर मुझे देर हो जाती तो सब बेकार हो जाता, तुझे नहीं पता है ये बाबूजी नहीं या एक सूत्र है। तब तक मैं इससे बात करता हूँ, तब तक ये जितना बर्तन है जो कुछ है ये सब हटा यहाँ से जल्दी से। और आगे होटल का मालिक बड़ा है अंबेडकर, पहले बाहर निकलो दुकान से। वो कहने लगा है अंबेडकर, तुमको पता है ये होटल कैसा है? यहां पर उच्च जाति के लोग आते हैं और पानी पीते हैं। तुम सोच हो चौथे वर्ण के हो, नीच हो और तुच्छ जाति में पैदा होकर के हमारे होटल में तुम आ गए, इतनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और क्या बोला फटकार करके कि तू अछूत है, तेरी कैसे हिम्मत इतनी बनी आई है? तुमको ये नहीं पता है तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है?
अरे तुम पहले शूद्र थे, आज भी शूद्र हो और जब तक जिंदा हो शूद्र ही रहोगे। दो चार किताबें क्या पढ़ ली, हमारी बराबरी करना चाहते हो अम्बेडकर? ये होटल हमारा जो है अछूतों के लिए नहीं, नहीं। और तुम आ गए और होटल में घुस गए। आज बाबा साहब खड़े हैं सुन रहे हैं और होटल का मालिक उन्हें फटकार लगा रहा है। तू अछूत है तेरी कैसे हिम्मती तनी बन जाई है, चढ़ी आयो दुकान पे मेरी एक सर जैसे अधरमी सब देख देख कर चलते हैं। अरे अम्बेडकर तुझे नहीं पता ये होटल वैसा नहीं है कि कोई भी आए घुसाए और कोई भी चाय पिए पानी पिए। यहाँ पर उच्च जाति के लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं, पानी पीते हैं, तेरे जैसे अछूत नहीं। सुबह सुबह आकर के तूने सब पवित्र कर दिया है। नौकर जा जल्दी से जाकर के गौमूत्र लेकर के आ, शुद्ध गंगा जल ला, इस दुकान में छिड़काव कर दे। एक सूत्र के पैर पड़ गए सुबह सुबह, सब बंधाधार कर दिया एक सूत्र ने। जल्दी से छिड़काव कर। माताओं बहनों भाइयों, जिस जगह बाबा साहब के पैर पड़े थे वहां पर गौमूत्र गंगा जल छिड़का जाता है। बाबा साहब खड़े खड़े देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, चल नौकर चल। बाबा साहब सोच रहे हैं देख रहे हैं, बहुत ही मन ही मन में उन्हें दुख हुआ कि मैं क्या देख रहा हूं। मैं तो समझता था कि हमारा देश बहुत महान है। हम समझते थे कि हमारे देश में अब ऊंच नीच की जो है भावना खत्म हो चुकी है, सब समान है। और यह मैं क्या देख रहा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तब मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। तो मेरे जो गरीब समाज के लोग हैं, मेरे जो निर्धन लोग हैं, अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं, उनके साथ में क्या बर्ताव किया जाता होगा। जहां पर मैंने पैर रख दिए वहां पर गौमूत्र का छिड़काव किया गया, इससे तो यह सिद्ध होता है कि मैं जानवरों की टट्टी पेशाब से भी गया गुजरा हूं। मैंने सिर्फ पैर रख दिया, वो जगह अपवित्र हो गई और उस जगह को गौमूत्र छिड़क करके पवित्र किया गया। बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए कि होटल में भयो अपमान, आंखी में आंसू भरिया आए। बड़े उदास हुए, बहुत बड़ा अफसोस हुआ, ये क्या हो रहा है हमारे समाज में और ये क्या हो रहा है हमारे साथ में।
होटल में भयो अपमान आँच में आंसू भर जाए। अरे सहन पाओ नहीं तुम कभी मनाओ मन में पछताए। अरे चुआ चोट की थैली एक सी है बीमारी। आज बाबा साहब उदास और सोचते हुए रोते हुए वहां से आगे चले जाते हैं। बाबा साहब का अपमान हो रहा था माताओं बहनों, यह घटना एक सोनुआ नाम का व्यक्ति जो दूर खड़ा देख रहा था कि बाबा साहब का अपमान हो रहा है, और बाबा साहब के अपमान को देख करके उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने देखा बाबा साहब को पानी के लिए अपमानित किया गया, उनको होटल के मालिक ने भगा दिया। वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है, मटकी में पानी भरता है, सोचता है कि बाबा साहब को मैं पानी पिलाऊंगा। लेकिन जब तक वो अपने घर से बाबा साहब के लिए पानी लेकर के आता है दौड़ करके, तब तक वहां से बाबा साहब जा चुके होते हैं। वो दौड़ करके आया और देखने लगा कि वहां बाबा साहब नहीं है। खोजने लगा बाबा साहब, बाबा साहब आप कहां चले गए? बाबा साहब मैं आपके लिए पानी लेकर के आया हूं। माताओं बहनों भाइयों ध्यान से सुनिए और समझिए। बाबा साहब को नहीं पता था कि मेरे लिए कोई पानी लेने गया है, क्योंकि सोनू बता के तो नहीं गया था। वह पानी लेकर के आया, इधर उधर देखने लगा कि बाबा साहब कहां चले गए? आप तो प्यासे हैं, आपका अपमान हुआ हमारी आंखों के सामने। बाबा साहब मैं आपके लिए पानी लाया हूं। बाबा साहब कि वापस आ जाओ बाबा जी, मैं पानी लेकर नाम ले लेकर के आवाज लगा रहा है, सोनुआ रो रहा है, लेकिन बाबा साहब तो वहां से चले गए। अरे बाबा साहब आप कहां गए? बाबा साहब आपका अपमान मेरे आंखों के सामने हुआ। बाबा साहब आज मैं पानी लेकर आया हूं। बाबा साहब
आप कहा चले गए बाबा साहब? बाबा साहब मेरे हाथों से पानी पी लो बाबा साहब, आखिर आप कहा चले गए बाबा साहब? बाबा साहब मुझे नहीं देखा, देख गया कि मेरे आंखों के सामने मेरे बाबा साहब का अपमान हुआ, जो मेरे लिए लड़ते हैं उनका अपमान हुआ बाबा साहब। आप कहा चले गए बाबा साहब? बाबा साहब ए बाबा साहब आखिर कब आओगे बाबा साहब? पूरा दिन बीत गया है अभी तक वापस नहीं आए बाबा साहब। आ जाओ बाबा साहब, मेरे हाथों से पानी पी लो बाबा साहब। बाबा साहब आज सोनुआ रोता रात में लगता रहा, पूरा दिन हो गया, सारा दिन बीत गया, पूरा दिन वो वहीं पे बैठा रहा रोड के किनारे, सोचने लगा बाबा साहब वापस तो जरूर आएंगे इसी रास्ते से, और जब बाबा साहब वापस आएंगे तब मैं उनको पानी पिलाऊंगा। लेकिन बाबा साहब वापस नहीं आए, पूरा दिन बीत गया, वो किसी और रास्ते से चले गए, उस रास्ते से नहीं वापस आए, क्योंकि बाबा साहब को नहीं पता था कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है। जब शाम हो गई सोनुआ ने समझ लिया कि बाबा साहब आज वापस नहीं आएंगे, तो सोनुआ ने अपनी मटकी से पानी लिया है अपने हाथों में और पानी को लेकर के संकल्प करने लगा, बाबा साहब मैं संकल्प करता हूं जिस पानी की वजह से आपका अपमान हुआ, जिस पानी की वजह से होटल के मालिक ने आपको उल्टे सीधे शब्द कहे, उसी पानी की सौगंध बाबा साहब जब तक मैं आपको पानी नहीं पिला दूंगा अपने हाथों से, तब तक मैं भी भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगा। कहने लगे बाबा साहब आज मैं कसम खाता हूं, जब तक मैं आपको अपने हाथों से पानी नहीं पिला दूंगा तब तक मैं भी भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगा। आज उदास होकर के अपने सर पे मटकी रख लेता है, उदास होकर अपने घर को चला जाता है, अपने घर गया, रात भर उसको नींद नहीं आई, यही रटता रहा, यही सोचता रहा कि मेरे बाबा प्यासे चले गए, मेरे बाबा प्यासे चले गए, मेरे बाबा साहब का अपमान हो गया, मेरे बाबा प्यासे चले गए, यही सोचता हुआ रटता हुआ रात भर सोया नहीं। जो ही दूसरा दिन हुआ सुबह हुई, तुरंत उसने ताजा पानी फिर मटकी में भर लिया और सिर पर मटकी रख करके फिर उधर ही चल पड़ा कि आज बाबा साहब आएंगे, और वही रटना है क्या कि प्यार से चले गए, प्यार से चले गए। आंसू
से बहते आंसू बस ये रटने लगी है, बस ये रटन लगी है, कहां से चले गए। आज रोता कमाएंगे बाबा साहब, आप कहां चले गए बाबा साहब, आप प्यासे चले गए बाबा साहब, आपके लिए मैं पानी लाया हूं बाबा साहब। यही लगता है दूसरा दिन भी ऐसे बीत जाता है, बाबा साहब फिर वापस नहीं आते, बाबा साहब फिर वापस नहीं आए। सांझ हो गई, अंधेरा होने लगा, सोनुआ फिर उदास होकर के अपने घर वापस चला गया। माताओं बहनों भाइयों, बाबा साहब के नाम का दीवाना हो गया सोनुआ कि बाबा साहब जब आएंगे तब मैं उनको पानी पिलाऊंगा, और जब तक मैं उनको अपने हाथों से पानी नहीं पिला दूंगा तब तक मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। यह सोच करके सोनुआ रोज सुबह अपनी मटकी में पानी भरता है और रोज सुबह उसी रोड के किनारे आ जाता है, पूरा दिन वहीं पे बैठा रहता है और सांझ होती है फिर उदास होकर अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे 10 दिन बीत गए माताओं बहनों भाइयों, उसने खाना नहीं खाया, उसने पानी भी नहीं पिया है, क्योंकि उसने संकल्प कर लिया कि जब तक बाबा साहब को पानी नहीं पिला देंगे तब तक हम भी पानी नहीं पिएंगे। आज माताओं बहनों, सोनुआ का शरीर कमजोर हो गया, दुबला हो गया, लेकिन बाबा साहब को ये कुछ पता ही नहीं है कि मेरे लिए कोई इतना बड़ा संकल्प करके बैठा है। सोनुआ का रोज का वही काम है कि वह सुबह रोज पानी लेकर उसी रोड किनारे आता है। मेरे बाबा साहब प्यासे बस ये रटन लगा सोनुआ तो बिल्कुल मरने वाला हो गया, उसके शरीर में बिल्कुल दम नहीं बची। शाम हो गई, बाबा साहब फिर नहीं आए, सोनुआ फिर उदास और निराश होकर के अपने घर वापस चला गया। इधर माताओं बहनों, सोनुआ के नाम की चर्चा चारों तरफ फैल गई, क्योंकि सोनुआ रोज सुबह पानी लेकर के जाता है, हर गली हर मोहल्ले में हर चौराहे पर सोनुआ की चर्चा होने लगी कि बाबा साहब को एक होटल के मालिक ने अपमानित करके अपने दुकान से भगा दिया, बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया, बाबा साहब का अपमान किया, और यह अपमान सोनुआ नाम का व्यक्ति देख रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ,
तो उसने कसम खा ली है, उसने संकल्प कर लिया है कि जब तक वह बाबा साहब को पानी नहीं पिला देगा तब तक वह भी भोजन पानी नहीं करेगा। 15 दिन बीत गए हैं, सोनुआ ने भोजन पानी नहीं किया है, अब तो वह मर जाएगा। कोई जाए बाबा साहब को ये संदेश पहुंचा दे, हो सकता है बाबा साहब आ जाए उसके हाथ से पानी पी ले तो सोनुआ के प्राण बच जाए। ये चारों तरफ चर्चा फैली है, महिलाएं आपस में बातें करती हैं, अगर सोनुआ मर गया तो इसका पाप, इसकी हत्या उस होटल के मालिक और उसके नौकर के ऊपर जाएगी। अगर होटल का नौकर और मालिक मिलके बाबा साहब का अपमान न करते, बाबा साहब को पानी पिला दिए होते तो सोनुआ ऐसा संकल्प कभी नहीं करता, उसकी जान नहीं जाती। अगर वो मरा तो इसका जिम्मेदार होटल का नौकर और मालिक ही होगा। चारों तरफ चर्चाएं फैल गई। कुछ महिलाओं को यह भी पता था कि बाबा साहब हमारे समाज के लोगों को हक अधिकार दिलाना चाहते हैं। यह खबर जब महिलाओं में फैली है तो जब नौकर की पत्नी है उसी होटल पे जो काम करने वाला नौकर है, उसकी पत्नी ने जब यह बात सुनी कि हमारे पति देवता भी उस समय थे ही होटल में ही, उन्होंने भी बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया और बाबा साहब का विरोध किया कि वो अछूत है, सूद है, नीच है, और बाबा साहब तो हमारे पूरे समाज को हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, महिला समाज को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते हैं, तो ये तो गलत हुआ। मैं पूछूंगी ये सोच रही है कौन? नौकर की पत्नी। लेकिन रात में नौकर लेट में पहुंचा, उसकी पत्नी ने पूछ नहीं पाया, और सुबह नौकर जल्दी उठता है, होटल के लिए रवाना हो जाता है। और जब होटल के लिए नौकर जा रहा है तो उसकी पत्नी ने देखा कि पति देवता तो चले गए, तो सोचा कोई बात नहीं है, जाकर के रास्ते में मिलेंगे। आज आगे आगे वो होटल का नौकर जो है अपनी ड्यूटी पे जा रहा है और पीछे से उस नौकर की पत्नी आ जाती है और आपस में क्या बात होती है। होटल तुमका नहीं पता, हम होटल पर जाए सवेरे है सवेरे, तो हमू सोचन चली हमू होटल पर, तुम का करे चले जाऊ हम पीछे पीछे बर्तन मांजे और नहीं गरमा करना, गरमा चौका करते ना पूरा सब पटारे पूरा लड़के ने कहीं खवा पियो जाए तेल गाजर करो जाए ठीक गरमा रहो जाओ, तुम्हार काम हुआ कोई नहीं, हुआ हमारा ही काम है। अच्छा तो एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ। पूछो। बात वो ये है कि आज से 15 दिन पहले तुम्हारे होटल में कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्ति आए थे। अरे हमारे होटल में यहाँ तो रोज 100, 200, 300 आदमी रोज आवत है भोजन कर निकल ले, सब काम ना थोड़ा पूछ दिया है। याद करो आपने और तुम्हारे मालिक ने उनको पानी नहीं पिलाया था। अरे पानी नहीं पिलाया, याद नहीं देखिए हमका कुछ याद नहीं आवत, बताओ कुछ बताओ कुछ। वो हर वक्त कोट पैंट पहने होते हैं, चश्मा लगाए होते हैं, टाई बेल्ट, हर वक्त उनकी पोशाक बहुत ही सुंदर रहते हैं। हाँ आए तो रहा है यहाँ कभी, लेकिन बताई उनका पानी का है नहीं पिया रहा ना। हाँ वही अमर सेठ जी कहा था ये सूत रहे नीच है इनका पानी ना पिया तब है हम बगा जी रहे। अच्छा बाबा साहब सूत्र है। हाँ वो नीच है और का तुमका मालूम है। अब का मालूम है, कसम मालूम है, जब से तुमने और तुम्हारे मालिक ने पानी नहीं पिलाया ना। हाँ। अपने ही गांव में उधर छोर पे एक सोनुआ नाम का व्यक्ति रहता है। हाँ हाँ। जब से उसने सुना है देखा है। हाँ। तब से उसने खाना पानी छोड़ दिया है, तो हम का करेगा खवाई या छोड़ के जाए कुछ करे हमने का मतलब। अगर जो मर जाएगा ना। हाँ। उसका पाप तुम्हारी खोपड़ी में जाएगा। अरे हमारे खोपड़ी पाप नहीं जाए, पाप लागी तो गंगा जी में नहाए ही बा जाए। अच्छा और का पाप लागी तो तुम गंगा जी नहाए हो और का पाप लागी भाई काहे करी हम गंगा जी में नहाए ही बा जाए धोई बस पाप। अच्छा और का तो ऐसा ना करो। हां तुम का गंगा जी हम हिए नहाए दे। अरे हिया कैसे नहावा जाऊं नदी नहीं बहती है नहीं
कहो तो नहवाए दे। अरे नहवाए दे तो हमर किराए भाड़ा बन जाई। ठीक है, तैयार हो जाओ नहाने के लिए। आज नौकर की पत्नी कहने लगी, बाबा साहब को पानी पिलाया नहीं तुमने, वो हमारे समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो अपने आंदोलन में सफल हुए तो हमारी माताओं बहनों को, हमारे समाज की महिलाओं को सारे हक अधिकार मिल जाएंगे और हमारे समाज की महिलाएं, बहन बेटियां जो है वो भी डॉक्टर, मास्टर, वकील, जज, डीएम और एसडीएम बनेगी। क्या बात बताओ तुम, यही उम्र में यहाँ तुम कलेक्टर, डीएम, एसडीएम, ऑफिसर बनियो, पांच लेकर के मां हो जाएंगे। हम नहीं बनेंगे तो हाँ। आने वाले समय में हमारे समाज की हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनको जो है ये अधिकार प्राप्त होंगे। अरे तुम अधिकार अधिकार छोड़ो, तुम घर में नौकरी करो, खाली बर्तन चौका करो, लड़का बच्चन देखो, और जो हम नौकरी बना जी बात तुमका लाली लिपस्टिक लाए कौन दे। देखो बाबा साहब जो है वो बहुत अच्छे आदमी है, वो एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ साथ सर्व जाति की महिलाओं को हक अधिकार दिलाने के लिए विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए थे और वह यह चाहते हैं कि यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार मिले। अरे हमका समान अधिकार अधिकार कुछ नहीं चाहिए, हमका हमर चाहिए होटल, हमका चाहिए रुपया, बस और कुछ जाने देना ही हमें का मतलब। देखो बाबा साहब बहुत भले आदमी है, वो सबके लिए सोचते हैं, ऐसा करो तुम भी नौकरी वोकरी छोड़ दो और बाबा साहब का साथ दीजिए। हाँ मैं साथ साथ कुछ नहीं दी, नौकरी छोड़ दी हूँ, हम तब पेंट फट बदल दी, कहा रुपया नहीं बजाए, उनके हम अधिकार पर, उनके हम आंदोलन में जाए, हम ना जाए बीबा। बाबा साहब के आंदोलन में नहीं जाओगे? हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम अपने होटल में जाएंगे। नहीं जाओ, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तुमने बाबा साहब को पानी नहीं पिलाया, पहली बात तो हमें इतनी गुस्सा लगी है तुम्हारे ऊपर। हाँ, गुस्सा लाग तो क्या कर रहे हो, गुस्सा लाग। सोनू अगर मर जाएगा तो तुम गंगा जी नहा लो, और का मर जाए, लेकिन बाबा साहब के आंदोलन में नहीं जाओ तुम। नहीं जाएगा तो ठीक है भाई, तुमको हम गंगा जी ही नहवा देते हैं, तैयार हो जाओ। अरे क्या बोली नौकर की पत्नी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पहले बाबा साहब के आंदोलन में नहीं शामिल हो। ठीक है, क्या बोली कि अरे मेरे प्यार से चले गए भीमा, सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं। बाबा साहब प्यार से चले गए, तुमका शर्म नहीं आए? हमका शर्म का है कि जेके लागे शर्म भाई के फूटे करम। अच्छा, कि मेरे प्यार से चले गए भीमा, कि हाय तुम मरी ना गए। बाबा साहब क्या है, इधर आ, ये बताओ बाबा साहब क्या है? सूत्र है, सूत्र है। बाबा साहब नीच है, अछूत है, उनके आंदोलन में शामिल नहीं हो गए? नहीं शामिल हो। अच्छा, बाबा साहब नीच है, अछूत है। अच्छा, मेरे प्यार से चले गए भीम, किया है तुम मर ना गए। बाबा साहब अछूत आंदोलन में शामिल नहीं हो, तुमको मालूम है वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ में? ध्यान से सुनो मेरी बात। अरे देश भी देश न करी के पढ़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़ाई
देश विदेश में करी के पढ़ाई, हक अधिकार की लड़े लड़ाई, पर तुम का शर्म नहीं आई, पर तुम का शर्म नहीं आई, ये है तुम पर इधर आ। बाबा साहब के आंदोलन में शामिल हो जाओ। हम नहीं शामिल थे, हम मार दे रहे हैं, हम नहीं शामिल हुए। बाबा साहब छूट नहीं है, बाबा साहब सबके लिए, हमारी बात सुनो, बाबा साहब सबके हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं कि बाबा साहब के आंदोलन में शामिल हो जाओ। हम नहीं शामिल हुई बा। क्यों? क्यों ना, हमारे लिए कुछ ना करते, हम अपन होटल खोलिबा, हम रुपया हम का चाहिए। तुमका रुपया चाहिए? आने वाले समय में लड़का बच्चा भीख मांगेंगे अगर बाबा साहब के साथ में नहीं जाओगे। बाबा साहब का साथ नहीं दोगे, बाबा साहब के मिशन में नहीं जाओगे, उनके साथ में नहीं रहोगे। अब ये समझा रहे हैं, क्यों नहीं जाओगे? हमारे लिए कुछ नहीं कर दिया। अच्छा, बाबा साहब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो शूद्र हैं, तो उनके साथ में रहने से तुम भी शूद्र हो जाओ, अपवित्र हो जाओ। ठीक, तुमको पाक कर देंगे, पाक साफ बना दे। अरे भीम पे पड़ी मुसीबत भारी, और बहन जी ये 100 रुपए माननीय महावीर गौतम जी की तरफ से, ये साहब जी ने 100 रुपए दिए हैं बहन जी, और कह रहे हैं कि जब तक बाबा साहब के मिशन में काम करने के लिए तैयार ना हो जाए तब तक इनका ठोकप पीटप बंद नहीं करना। माता मेरे ताली बजाओ, क्यों? सुनो पहले, देखो जो बाबा साहब का दुश्मन, हाँ हमारी बात सुनो, जो बाबा साहब का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, आप लोगों को बोलना है, जो बाबा साहब का दुश्मन एक साथ में, जो बाबा साहब का दुश्मन, हाथ ऊपर उठने चाहिए ताकि दिखे, जो बाबा साहब का दुश्मन आपका दुश्मन, जो हाँ बोला फिर से, जो बाबा साहब का दुश्मन हमारा दुश्मन, तो इनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। बहन जी ये देखो, बहन जी की तरफ से 20 रुपया दान आए हैं, अब कह रही है बहन जी की छोड़ो ना, इनके नरी पर लात रख दे। और बहन जी ये राजू भैया और जगमोहन भैया की तरफ से 50 रुपए प्रदान हो रहे हैं, कहा जब तक कि बाबा साहब के मिशन में शामिल होने के लिए तैयार ना हो जाए तो इनका एक एक बूंद जो खून है वो निचोड़ ले। सुनो, ए भीम पे पड़ी मुसीबत भारी, ए भीम पे पड़ी मुसीबत भारी, तुम का पड़ी
भैया की तरफ से 20 रुपए प्रदान हुए हैं। ये सब लोग बाबा साहब के पार्टी के आदमी हैं। ये सब कह रहे हैं कि बाबा साहब के पार्टी में, बाबा साहब के मिशन में जब तक तैयार ना, तब तक मारना बंद न कर। और बहन जी, ये रघुवर दयाल जी की तरफ से ये बहन जी ने 50 रुपए दिए हैं। इनका भी कहना कि छोड़ना नहीं, कसके पीटो इनका। इनकी तरफदारी में अभी कोई आ नहीं रहा, हर कोई इनके खिलाफ है अभी, क्योंकि ये बाबा साहब के खिलाफ है ना। आप लोग स्वागत में ताली बजा दे। और ये अंकित भैया की तरफ से, ये अंकित भैया की तरफ से 20 रुपए प्रदान हो रहे हैं। और इनका भी कहना, इनकी पिटाई बंद नहीं होनी चाहिए। अब इनकी तरफदारी में कोई आई नहीं रहा, कोई बचावे इनको। भैया कुमार भैया जाओ, भैया और ये 20 रुपए उषा देवी की तरफ से। बहन जी, ये 20 रुपए उषा देवी की तरफ से। इनका भी कहना कि छोड़ना नहीं जब तक मिशन के लिए तैयार ना हो जाए। और ये 100 रुपए संघ प्रिय गौतम दीवान जी की तरफ से, ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बहन जी, इनका इतना पीटो जब तक बाबा साहब के मिशन में शामिल होने के लिए तैयार ना कर ले। अरे आकांक्षा बिटिया की तरफ से 20 रुपए प्रदान हुए हैं। और ये विनयशील की तरफ से 20 रुपए। अच्छा, ये आदर्श भैया की तरफ से बउआ ने 10 रुपया दे के इनकी खूब पिटैया कर। मालूम है तुम्हारा अमर मेहरबा बन नियत खराब है तुम लोगों के। और ये राम जीवन गौतम हरपालपुर की तरफ से 50 रुपए। पीटना बंद नहीं करना इनको। और ये शिवराज गौतम और देशराज गौतम जी की तरफ से निमतापुर से 50 रुपए। ये 50 रुपए जो है देशराज और शिवराज भैया की तरफ से प्रदान हुए हैं कि इनकी पिटाई बंद नहीं होनी चाहिए। और बहन जी, ये अक्षय भैया और नरेश भैया और भीम आर्मी के जितने भी सदस्य, उनकी तरफ से 70 रुपए प्रदान हुए हैं कि जब तक ये माने नहीं तब तक इनकी पिटाई बंद नहीं होनी चाहिए। और ये 20 रुपए सुशीला देवी की तरफ से आए हैं। अभी इनकी तरफदारी में कोई नहीं आया। अरे अरविंद गौतम की तरफ से 50 रुपए और अभिषेक भैया की तरफ से 20 रुपए। और जो है बहन जी, जितने लोग भी आ रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि इनको छोड़ना नहीं। अब बताओ तो बाबा साहब के आंदोलन में शामिल हो जाओगे? बड़ी मुसीबत भारी पर तुमका बड़ी नौकरी प्यार बाबा साहब के आंदोलन में शामिल होने के लिए हाँ कर दो। हाँ कर दीजिए, कह दो बाबा साहब के आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। हाँ नहीं करोगे, नहीं हाँ करोगे तो पक्का समझ लो जान हम तुम्हारी ले लेंगे।
मर्डर है ठीक है। मेरे चाचे चले गए भी बिटिया की तरफ से उदयपुर से 10 रुपए प्रदान हुए। का बोले भैया हम शामिल हो जी बा जैस के यो तो हम कह ले बा शामिल हो जाओगे बाबा साहब के। अच्छा बाबा साहब के दीवाने बन जाओगे। हम दीवाने का हम जवान नहीं बन जई बा। बाबा साहब के मिशन में काम करोगे जिंदगी भर। हम जिंदगी भर कई बार लड़का बच्चन ने बता दी पोती पोतन बाबा बाबिन बता दे का बता दे हो इन बाबा साहब शान दे हो। हाँ बाबा साहब के मिशन में जुड़ के रहना ठीक। अब माफी मांगो हमसे। हम माफी कैसे मांगी अब पैर छुओ हमरे पैर ना जाई बजा अब एक चीज बाकी रह गई। कहाओ कान पकड़ो अपने हम का दीदी कहो कि दीदी माफ कर दे हो। दीदी माफ कर दे कह दो जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेंगे। जब तक जिंदगी भर जिंदा नहीं रहेंगे तब तक बाबा साहब के मिशन में काम करेंगे। तब तक बाबा साहब के मिशन में काम करेंगे। अंधविश्वास से दूर रहेंगे। अंधविश्वास से दूर रहेंगे। छुआछूत के खिलाफ जंग लड़ेंगे। छुआछूत के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आंदोलन नहीं आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। बहुजन बहुजन महापुरुषों के महापुरुषों के विचारों पर चलेंगे। विचारों पर चलेंगे और उनकी विचारधारा को जनजन में इंजन में जनजन में जनजन में पहुंचाने का काम करेंगे। पहुंचाने का काम करेंगे। ये संकल्प करते हैं। ये संकल्प करती हूँ। ये संकल्प करते हैं। करते हैं। अब जोर से बाबा साहब का जयकारा लगाओ। छोड़ दे तुमको। बोलिए बाबा साहब के बाबा साहब के बाबा साहब बाबा साहब। अब पूछ ले। अब बताओ मैंने छोड़ दिया जाए। अब छोड़ दिया जाए। हाथ उठा के बताओ छोड़ दे। हाँ, अब छोड़ दिया जाए। अब तो बाबा साहब के मिशन में चलने के लिए तैयार हो गए। और भैया ये संगम संवाद ये प्रवीण संगम संपादक पत्रकार महोदय जी ने 50 रुपए दिए हैं और जो पैर छुअरा फोटो खींच लिए पेपर छपवाए दे हैं कल। और ये 20 रुपए मंगली प्रसाद गौतम जी की तरफ से प्रदान हुई है। धन्यवाद। ठीक है चलो ये सब बर्तन उठाओ ये सब हथियार औजार लेके चलो। एक सहयोग आया है। बोले बाबा साहब की भगवान बुद्ध की। और ये 50 रुपए डॉक्टर सूर्य प्रकाश सेनपुरगढ़ी से 100 रुपए विशंबर सेमरा से 50 रुपए नौकर की पिटाई करती है कि बाबा साहब के मिशन में शामिल हो जाओ। इधर माताओं बहनों 20 दिन बीत गए। किसको सोनुआ को 20 दिन हो गए लेकिन उसने अभी तक पानी नहीं पिया है। आज उसके बिल्कुल शरीर में दम नहीं बचा है लेकिन लगन वही लगी है कि बाबा साहब को पानी पिलाए बिना हम पानी नहीं पिएंगे। आज सोनुआ की हालत कैसी हो गई माताओं बहनों देखना। आज सोनुआ चल नहीं पा रहा है लेकिन बाबा साहब के नाम
कि ऐसी लगन लगी है, फिर भी मटकी में पानी भरता है और चल देता है उसी रोड के किनारे। कि मटकी में पानी ले करके और मटकी में पानी ले करके वहाँ रोड किनारे आता है। सोनुआ क्या करता है, अपने आप को संभालता है और अपने घर की तरफ फिर निराश होकर चलने लगता है। लेकिन माताओं बहनों उसके शरीर में दम नहीं था, जो ही आगे को कदम बढ़ाया है जोर से चक्कर आ गया और गिर गया। जोर का चक्कर आया, वो धरती पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। कुछ देर पड़ा रहा वहीं पर, थोड़ी देर बाद जब उसको होश आया, धीरे धीरे फिर से अपने शरीर को संभालता है और जो ही ऊपर उठ के देखा है, आंखें खोली है तो क्या देखा, उसकी मटकी टूट गई। आज जो ही मटकी टूट गई, देखा उसने कि मेरी मटकी के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज मटकी के टुकड़ों को हाथों में लेकर के रोने लगा, बाबा साहब आप मेरे हाथों से पानी नहीं पी पाए साहब, मेरी मटकी भी टूट गई साहब, अब मैं आपको कैसे पानी पिलाऊंगा साहब, मेरे घर में एक ही मटकी थी साहब, साहब आपको मैं पानी नहीं पिला पाया साहब, साहब आपने मेरे समाज के अधिकारों के लिए लड़ते थे साहब, आपका मेरे आंखों के सामने अपमान हो गया साहब, मैं आपको पानी नहीं पिला पाया साहब, साहब आज रोने लगा, बिलखने लगा और क्या बोला है, बाबा साहब मेरा सपना था कि मैं आपको पानी पिलाऊंगा, लेकिन मेरे घर में कोई दूसरा बर्तन नहीं है, अब मैं आपको पानी किस बर्तन में लाऊंगा, मेरा सपना चूर चूर हो गया। बाबा साहब रोने लगा और क्या बोला साहब, कि दिल के सब अरमान अधूरे रह गए और मेरे बाबा भी प्यासे रह Bye.
सपो सपोने अधूरे रह गए, मेरे सपो सपोने अधूरे रह गए। आज वो रोता रहा बिलकता रहा, अंधेरा ज्यादा हो गया, फिर अपने आप को संभाला, सोचा आप घर को चले, बाबा साहब तो नहीं आने वाले। माता बहनों भाइयों, दोबारा जब फिर से अपने आप को संभालता है और जो ही आगे को कदम बढ़ाता है, दोबारा फिर चक्कर आ गया। आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जोर का चक्कर आया, लेकिन माता बहनों अब की बार इस प्रकार से सोनुआ गिरा है कि उसके प्राण भी निकल गए, वो मर गए। बाबा साहब का नाम लेते लेते उसका प्राणांत हो गया, वो मर गया, उसके प्राण निकल गए। बाबा साहब तो नहीं आए, लेकिन बाबा साहब का दीवाना इस दुनिया से चला गया। आज रात भर हुआ वहीं पर पड़ा रहा, सुबह गांव के लोग जब वहां से निकले, देखा कि सोनुआ मर गया है, लोगों को बहुत बड़ा दुख हुआ और उस सोनुआ को उठा करके ले जाते हैं। माताओं बहनों ध्यान से सुनिए और समझिए, उस सोनुआ को उठाकर ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आज चर्चा होने लगी कि बाबा साहब अगर आ जाते, पानी पी लेते सोनुआ के हाथों से, तो आज उसकी मौत नहीं होती। एक दिन की बात, जब सोनुआ जिंदा था माता बहनों, एक व्यक्ति वहां से निकला था, सोनुआ को उसने देखा था, वो बाबा साहब को जानता था, लेकिन जब वो अपने घर गया वो भूल गया उस बात को। धीरे धीरे जब सोनुआ को मरे हुए 10 दिन बीत गए, तब वह व्यक्ति बाबा साहब को मिला और बाबा साहब से कहने लगा कि अरे बाबा साहब, एक सोनुआ नाम का व्यक्ति जो है वो रोड के किनारे पानी लेकर के बैठता है रोज, और आपका नाम लेता रहता है कि मेरे बाबा साहब प्यासे चले गए, मेरे बाबा साहब प्यासे चले गए, मेरे बाबा साहब प्यासे चले गए। बाबा साहब आपका कोई अपमान हुआ था होटल में, आपको पानी पीने के लिए किसी ने अपमानित करके भगा दिया था, और यह घटना वो सोनुआ देख रहा था, वह पानी लेकर अपने घर से आया, तब तक आप वहां से निकल चुके थे, चले आए थे। उसी दिन से उसने संकल्प कर लिया है, उस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि सोनुआ मर गया, बता रहा है कि उसी दिन से उस व्यक्ति ने संकल्प किया है बाबा साहब कि वो जब तक आपको पानी नहीं पिला देगा, तब तक वो भोजन पानी नहीं करेगा। बाबा साहब ने जो ही सुना कि इतने दिन हो गए उस घटना को, तो लगभग 1 महीना हो गया है, बाबा साहब ने जो ही सुना तुरंत तैयारी करते हैं, तुरंत पहुंच जाते, कहां वही पहुंचते, लेकिन वहां देखा ना सोनुआ है ना कोई। तो लोगों से पूछा जो रोड के किनारे रहने वाले थे कि यहाँ कोई रोजाना मटकी में पानी लेकर रोड के किनारे बैठता था बाबा साहब को पिलाने के लिए, तो लोगों ने कहा कि आता तो था लेकिन 10 दिन से नहीं आता है, पता नहीं कहाँ चला गया। बाबा साहब ने पता लगाया वो रहता कहाँ था, उस मोहल्ले में पहुंचे। जब उस मोहल्ले में पहुंचे तो मोहल्ले के लोग सारे लोग बाबा साहब को जानते नहीं थे। बाबा साहब जब पहुंचे तो बाबा साहब ने पूछा कि सोनुआ कौन है, वो पानी लेकर के रोज जाता था, 10 दिन से जाता क्यों नहीं है। तो मोहल्ले के लोगों ने बताया कि कोई बाबा साहब है जिनका वह दीवाना हो चुका था और जिनके लिए उसने अपने प्राणों को खो दिया, 10 दिन हो गए, वो मर गया, अब वो इस संसार में नहीं है, वो जीवित नहीं है, वो मर गया। बाबा साहब को बहुत बड़ा दुख हुआ, पूछा क्यों, लोगों ने बताया वो कह रहा था कि जब तक मैं बाबा साहब को पानी नहीं पिला दूंगा तब तक मैं भी पानी नहीं पीऊंगा, उसने भोजन पानी सब कुछ छोड़ दिया था और वो भूख से प्यास से तड़प तड़प के मर गया 10 दिन पहले। बाबा साहब ने पूछा वो कहां पर बैठता था, लोगों ने बताया
उस जगह का नाम और वो जगह बताई। तो बाबा साहब चलते 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 धीरे धीरे उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, कहां पर, जहां पर वह सोनुआ पानी लेकर के मटकी में बाबा साहब के लिए बैठता था। और बाबा साहब जो ही पहुंचे हैं उस जगह पर तो क्या देखा है, सोनुआ तो नहीं है, सोनुआ के मटकी के टूटे हुए कुछ टुकड़े वहां पर पड़े। बाबा साहब ने एक एक टुकड़े को इकट्ठा किया है और अपने हाथों में लेकर के रोने लगे, हे मेरे प्यारे सोनुआ भाई, मैं तुझे जानता भी नहीं था, अरे मेरे प्यारे सोनुआ, मैं तेरा क्या लगता था रिश्ते में, अरे मैं तुझे जानता भी नहीं था, लेकिन तूने मेरे लिए अपने प्राणों को खो दिया। अरे सोनुआ, मुझे मालूम होता अगर तू मेरे लिए इतना बड़ा संकल्प लेके बैठा है तो मैं उसी दिन वापस आके तेरे हाथों से पानी पी लेता, तुझे मरने नहीं देता सोनुआ। और बाबा साहब भी रोने लगे, कहने लगे मेरे प्यारे सोनुआ, कि सोनुआ तूने मेरी खातिर और अपनी क्यों दे दी कुर्बानी, लगाए रहे पानी की आस लगाए रहे पर पिला न सके मुझे पानी, मिलने को मैं आया तुझसे मिलने को, पर तू मुझसे मुख मोड़ गया। तूने जो दी है कुर्बानी, कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी, तूने जो दी है कुर्बानी मेरे प्यारे व्यर्थ न जाएगी, जब तक यहां मेरा नाम रहे दुनिया तेरी गाथा गाए। ऐ मेरे प्यारे भाई सोनुआ, जिस पानी के लिए मेरा होटल में अपमान हुआ, जिस पानी के लिए मेरे समाज के लोगों को दुख सहना पड़ता है, जिस पानी के लिए तेरी मौत हुई, मैं संकल्प करता हूं मेरे प्यारे सोनुआ कि उसी टूटे हुए मटकी के टुकड़ों की कसम, अगर मैं अपने जीवन में कुछ कर पाया
तो सबसे पहले मैं अपने समाज को पाने का अधिकार दिलाऊंगा। और मेरे प्यारे सोनुआ, मैं संकल्प करता हूं एक दिन वो समय लाऊंगा जिस पानी को छूने का अधिकार नहीं है हमारे समाज के लोगों को, उसी पानी में हमारे समाज के लोगों के जानवर स्नान करेंगे। एक दिन वो लाऊंगा प्यारे सोनवा, एक दिन वह लाऊंगा, एक दिन वह समय लाऊंगा जिस पानी को हमारे समाज को पीने का अधिकार नहीं है उसी पानी में हमारे समाज के लोग सोच क्रिया करेंगे। ये मेरा वादा है। आज से मेरे आंदोलन को और गति मिल गई है सोनवा, तेरी कुर्बानी की कसम। जब तक मैं अपने समाज को मान सम्मान भरा जीवन जीने का अधिकार नहीं दिला देता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। इतना संकल्प करके बाबा साहब वहां से चल चल चल। आज माताओं बहनों भाइयों, बाबा साहब ने सोनवा की मौत को देख करके उनके दिल को झकझोर कर दिया। उनकी मौत बाबा साहब के दिल को झकझोर दिया सोनुआ की मौत ने, सोनुआ की कुर्बानी ने। बाबा साहब ने वो संकल्प किया और जाकर के तैयारी करने लगे। और सबसे पहले उन्होंने चावदार तालाब पर महान सत्याग्रह का आंदोलन किया। सबसे पहले हमारे आपको पानी का अधिकार दिलाने का काम किया। अगर आज स्वच्छ पानी, मिनरल वाटर, आरओ का पानी, फ्रिज का पानी, जो कुछ भी पीते हैं, ये बाबा साहब की मेहनत, बाबा साहब के संघर्षों का परिणाम है। अगर बाबा साहब ना होते तो हमें साफ और स्वच्छ पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए कहना है दो शब्दों में। कि यदि बाबा साहब ना होते, कि अगर बाबा साहब ना होते और अधिकार नहीं जीने का था, हक नहीं नदी तालाब में भी हमको पानी पीने का था। माता बहनों दो मिनट और सुन लीजिए। फिर भी हम उनको भूल गए जिसने जीना सिखलाया है, और सीएम पीएम डीएम
पीएम 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 अफसर जिसने सब कुछ हम बनाया है।